Sorry, so here I am gonna to tell you a most important and interesting topic about chart and graph in MS Word. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि MS Word होता क्या है। तो MS Word एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। इसमें हम किसी भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट जैसे कि लेटर एंड रिपोर्ट्स को क्रिएट या एडिट कर सकते हैं। तो आज हम चार्ट ऑप्शन को जानेंगे जो कि MS Word है में है। इस टूल की हेल्प से हम किसी भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट को ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चार्ट ऑप्शन के MS Word में बने हुए रिकॉर्ड को हम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे कि हो गया सैलरी रिकॉर्ड, मार्कशीट, पॉपुलेशन रिकॉर्ड एक्सेट्रा। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखें। अगर पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको MS Word पे क्लिक करना है। जैसे आप MS Word पे क्लिक कीजिएगा आपको MS Word ओपन होकर के मिल जाएगा। तो आज हम यूज़ करने वाले हैं इंसर्ट ऑप्शन का। तो इंसर्ट ऑप्शन पे हम जा करके क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको इलस्ट्रेशन में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि पिक्चर, क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट, चार्ट। तो आज हम लोग यूज़ करने वाले हैं चार्ट ऑप्शन का। तो चार्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक टेम्पलेट्स खुल के मिलेगा जिसमें आपको बहुत तरह के चार्ट मिलेंगे जैसे कि कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट एक्सेट्रा, तरह तरह के आपको चार्ट मिलेंगे। तो आज हम लोग यूज़ करने वाले हैं कॉलम चार्ट का। तो कॉलम चार्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से ओके कर लेंगे। तो आज हम इस चार्ट के हेल्प से हम बनाने वाले हैं क्लास टेंथ की मार्कशीट। तो क्लास टेंथ की मार्कशीट को बनाने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम में डालेंगे स्टूडेंट्स, नेम ऑफ स्टूडेंट्स डालने के बाद हम यहां से इंटर प्रेस करेंगे और नीचे बाकी सारे स्टूडेंट्स का नाम डालते जाएंगे। तो फर्स्ट हम नाम डालने वाले हैं निशु, सेकंड सानिया, थर्ड इसी तरीके से हम नाम डालते जाएंगे। सेकंड कॉलम में हम आज डालने वाले हैं सब्जेक्ट नेम। तो फर्स्ट सब्जेक्ट मैं डाल रही हूँ मैथ्स। तो फिर से हम इंटरप्रेस कर करके यहाँ पे स्टूडेंट्स के जितने मार्क्स आए हैं मार्क्स को पुट करते जाएंगे। थर्ड कॉलम में फिर से हम सब्जेक्ट को डालेंगे। तो हम थर्ड कॉलम में डालने वाले हैं साइंस। यहाँ भी हम इंटरप्रेस करके सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स पुट करते जाएंगे। फोर्थ कॉलम में हम डालने वाले हैं सब्जेक्ट इंग्लिश। यहाँ भी इंटरप्रेस करके हम सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स पुट करते जाएंगे। फिफ्थ कॉलम में हम डालने वाले हैं सब्जेक्ट हिंदी। यहाँ भी हम इंटरप्रेस करके सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स पुट करते जाएंगे। नेक्स्ट कॉलम में हम सब्जेक्ट डालने वाले हैं संस्कृत। यहाँ भी हम इंटरप्रेस करके सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स पुट करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपका चार्ट बन करके तैयार हो गया। अगर बाय द वे आप इसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो हमें फॉर्मेट ऑप्शन में जाना होगा। फॉर्मेट ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ तीन ऑप्शंस मिलेंगे जैसे सेव फिल हो गया, सेव आउटलाइन हो गया एक्सेट्रा। तो सेव फिल का यूज़ करके हम इसमें आज कलर भरने का काम करेंगे। तो यहाँ से मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है और इसमें देख रहे हैं आप कि चेंजेस कलर होते जा रहे हैं। इसका हम आउटलाइन भी दे देंगे। अगर बाय द वे आप कोई सब्जेक्ट का अलग कलर रखना चाहते हैं तो वहाँ उस पर क्लिक करके आपको फिर से सेव फिल के ऑप्शन में जाना होगा और वहाँ से कलर सिलेक्ट करना होगा। अगर बाय द वे इस चार्ट के ऊपर भी आप कुछ हेडिंग देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लेआउट ऑप्शन में जा करके चार्ट एवब चार्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा आपको चार्ट टाइटल एक ऑप्शन मिलेगा, उसे हटा करके आपको क्लास टेंथ की मार्कशीट को लिखना है।
मार्कशीट ऑफ क्लास 10th। तो यहाँ देख रहे हैं आपका चार्ट बन करके।